गुड मॉर्निंग। आज हम नए टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री के नए टॉपिक फेज इक्विलिब्रिया को सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि ये फेज इक्विलिब्रिया किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। स्पेशली जब फेज की बात हम करते हैं तो 1874 में गिब्स ने इस हेट्रोजीनियस सिस्टम को समझने के लिए, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया को समझने के लिए एक रूल बना के दिया था जिसको हम फेज रूल के नाम से हम जानते हैं, जिसमें तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक उसका फेज, कोई भी अगर इक्विलिब्रिया होता है तो उसका फेज जिसको हम पी से इंडिकेट करते हैं, उस नंबर ऑफ फेज में कितने कंपोनेंट और इन कंपोनेंट को नंबर ऑफ फेज को एक्सप्लेन करने के लिए कितने वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं और उन वेरिएबल्स में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, उसको समझने के लिए उन तीन कंपोनेंट के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया जिसको हम गिब्स फेज रूल के नाम से जानते हैं, F=C-P+2। ये गिब्स ने अपना एक रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिया जिसमें कि F डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला गया, C नंबर ऑफ कंपोनेंट बोला गया और P नंबर ऑफ फेजेस। और जो इसमें प्लस में टू हमने ऐड किया है फिजिकल, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब कभी नंबर ऑफ फेजेस हमारे सामने हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट हम जानते हैं, तो ये टू का मतलब द वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच एक्सप्लेन्स द फेजेस, विच एक्सप्लेन्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट। इसमें वेरिएबल्स जो है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर हो सकते हैं, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। इसको हम इंडिपेंडेंट और वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। नंबर दो यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है, यानी 1874 में हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया को एक्सप्लेन करने के लिए गिब्स ने एक रूल दिया था जिसको हमने गिब्स फेज रूल के नाम से जाना, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ कंपोनेंट और नंबर ऑफ फेजेस के बीच में एक रिलेशन है जो कि F=C-P+2 के नाम से जाना जाता है। इन गिब्स फेज रूल में अलग अलग कंडीशन में इक्विलिब्रिया को समझने से पहले हमें इनकी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट किसे कहते हैं और फेज किसे कहते हैं। सबसे शुरुआत हम करते हैं कि फेज क्या है। फेज एक फिजिकली डिस्टिंक्ट क्वांटिटी है जो कि एक पार्ट को एक्सप्लेन करती है जिसको हम मैकेनिकली सेपरेबल बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वाटर और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है, इस वाटर और कार्बन टेट्रा क्लोराइड को एक पोर्शन जो कि बाउंड्री है वो सेपरेट कर रही है, एक बाउंड्री सेपरेट कर रही है। ये बाउंड्री इस दो बाउंड इसको सेपरेट करने की वजह से मैकेनिकली सेपरेबल बाउंड्री को ही हम फेज बोलते हैं। और इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं आइस और लिक्विड का, यानी वाटर तीन डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड और आइस, सॉलिड और लिक्विड की हम बात कर सकते हैं। वाटर कैन एग्जिस्ट इन टू थ्री फेजेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फेज इज बेसिकली द पार्ट ऑफ एनी सिस्टम विच कैन बी इजिली सेपरेबल बाय अ बाउंड्री, इसको हम मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं एक बाउंड्री से, उसको हम फेज बोलते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर। वाटर तीन फेजेस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। और दूसरा एग्जाम्पल हमने अभी यहां पे समझा, लिक्विड, वेपर और अगर इसको हम देखें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, तीन डिफरेंट डिफरेंट फेज। वाटर प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, वाटर प्लस कैरोसिन, कैरोसिन का भी एक पार्ट, दो अलग अलग वाटर और
दो लिक्विड को एक मैकेनिकल बाउंड्री सेपरेट करती है, तो इसमें दो फेजेस होंगे, इसमें भी दो फेज होंगे और इसमें भी तीन फेज होंगे। इसमें तीन फेज होंगे क्योंकि एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक वेपर। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फेजेस। नाउ अगर नंबर ऑफ गैसेस की हम बात करते हैं, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिक्स्ड है तो ये एक होमोजीनियस सिस्टम है, तो ये होमोजीनियस सिस्टम में सिर्फ एक फेज होगा। हमारे पास सल्फर है, सल्फर चार तरीके से एडजस्ट करता है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, और रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सॉलिड फॉर्म के हैं, लिक्विड एंड तीन कंडीशन, चार कंडीशन में सल्फर एडजस्ट करता है। तो नंबर ऑफ फेजेस अगर हम समझें, सच पोर्शन ऑफ अ सिस्टम विच कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय मैकेनिकल डिस्टिंक्ट एंड दैट कैन बी मैकेनिकली सेपरेबल। नाउ द सेकेंड थिंग इज कंपोनेंट। कंपोनेंट का समझना हमें बहुत जरूरी है, कंपोनेंट को, कि किसी भी फेज को जो चीजें समझा बताती हैं कि फेज को एक्सप्लेन किया जा रहा है और फेज किसकी वजह से बना है। जो फेज बनाता है, जो पार्ट फेज को बनाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी कंपोनेंट कहलाती है। कंपोनेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि कंपोनेंट आखिर है क्या। हमारे सामने अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि वाटर की तीन फेजेस हैं, लेकिन उस तीन फेज को बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है, क्वांटिटी है, वो है वाटर। वाटर मींस इस वाटर के तीन फेजेस हमारे सामने आए, लेकिन कंपोनेंट उसका तीन फेज का कंपोनेंट सिर्फ एक है। सल्फर की जैसे हम वाटर की बात करते हैं, वाटर कैन एडजस्ट इनटू लिक्विड, इट एडजस्ट इनटू वेपर एंड इट एडजस्ट इन सॉलिड। इट हैज थ्री डिफरेंट फेजेस बट ओनली वन कंपोनेंट। नाउ कंडीशन ये है हमारे सामने कि कंपोनेंट जो उस फेज को एक्सप्लेन करता है, उस फेज के मिनिमम एंटिटी को बताता है, वो है कंपोनेंट। सल्फर की हमने बात की, सल्फर जो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फेज में, लेकिन उसकी कंपोनेंट एक ही है। लेकिन कंपोनेंट को समझने से पहले हमें ये जानना है कि अगर कोई कंपाउंड आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो कंपाउंड के कंपोनेंट्स, उस फेज के कंपोनेंट्स अलग अलग हो सकते हैं जो दिखते नहीं है। एक एग्जांपल हमारे पास है, जब KCl, NaCl और H2 का सॉल्यूशन है तो इसके नंबर ऑफ फेजेस हमारे सामने आते हैं तीन, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तीन आते हैं। और यदि हमारे पास KCl, NaBr और H2 का एक सॉल्यूशन है तो इसमें हमें तीन कंपोनेंट दिखाई देते हैं, इसमें भी हमारे तीन कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ कंपोनेंट तीन है, इसमें भी हमें तीन कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं तो इसमें भी तीन होने चाहिए, लेकिन इसमें कंपोनेंट की संख्या होती है चार। ये क्यों हुआ? हमने कहा कि जब स्मॉलेस्ट एंटिटी, इंडिपेंडेंट एंटिटी विच बाय विच वी कैन इजिली फाइंड आउट द डिफरेंट फेजेस, उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। लेकिन कंपोनेंट अगर दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, कंपोनेंट KCl, NaCl और H2O में तीन है, अगर एग्जाम्पल एक और हमारे पास KCl, NaBr, H2O में कंपोनेंट तीन होने चाहिए थे लेकिन कितने, चार। ऐसा इसकी वजह से होता है क्योंकि इस पूरे रिएक्शन, पूरे कम फेज में, पूरे इक्विलिब्रियम में जिसमें कि हमें तीन दिखते हैं, ये केमिकली रिएक्टिव होते हैं। अगर ये केमिकली रिएक्टिव हैं, इनके नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारे सामने हैं, तो वो केमिकल रिएक्शंस को हम इसके बेसिस पे इजीली कंपोनेंट को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमने देखा, इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे सामने आता है जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्वांटिटीज माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस। अगर हम इसकी बात करें, नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे इसमें नहीं बनेंगे क्योंकि KCl, NaCl के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है और इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। हमारे सामने नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी है, तीन, जो कि
और e की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट इस टर्म्स में इस तरीके से 3 आ जाएंगे। लेकिन यहां पर इस केमिकल रिएक्शन की हम बात करें, इस इक्विलिब्रियम की हम बात करें, द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन दिस इक्विलिब्रियम आर KCl, NaCl, KBr, NaBr एंड H2। अब ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम था। इस इक्विलिब्रियम में हमने देखा कि एंटिटीज कितनी मिली, 5। KCl मिला, NaCl मिला, KBr मिला, NaBr मिला और साथ साथ में हमारे सामने H2। नंबर ऑफ एंटिटीज आर 5। एंड हाउ दीज 5 एंटिटीज केम, इट इज बिकॉज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन KCl एंड NaBr। हुआ क्या, KCl और NaBr के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई और केमिकल रिएक्शन के बाद हमें मिल गया KBr और NaCl। इस केमिकल रिएक्शन से नंबर ऑफ एंटिटीज में इंक्रीमेंट हुआ और हमें केमिकल रिएक्शन मिली 1। तो हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शंस आर 1 एंड नंबर ऑफ एंटिटीज आर 5। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन हम नंबर ऑफ कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, दैट इज सी, नंबर ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज, दिस आर 5 व्हिच आर वी कैन से फेजेस, माइनस नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वड, दैट इज 1। इट मींस दिस काइंड ऑफ equilibria is having 4 component, whether we can see that there are only 3 जो हमें visible है वो 3 है, लेकिन chemical reaction के बाद इसकी component हमें 4 दिखाई देते हैं। This is a simple example by which we can easily find out the component. Component किसी phase का वो smallest quantity है जो उस phase को existence में लेके आता है। और हमने कहा वाटर का एग्जांपल हमने लिया, वाटर के एग्जांपल में हमारे पास 3 फेजेस थे लेकिन उसका कंपोनेंट है सिर्फ 1। हमने एक एग्जांपल लिया कि KCl, NaCl और H2 में 3 फेजेस, 3 कंपोनेंट है, और NKCl, NaBr, H2 में 4 कंपोनेंट, ऐसा क्यों जबकि 3 दिखाई दे रहे हैं। इट इज ओनली बिकॉज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वड इन दिस दिस इक्विलिब्रियम इज दिस, जिससे इसकी नंबर ऑफ एंटिटीज और नंबर ऑफ फेजेस इंक्रीज हो गए और हमें नंबर ऑफ फेजेस मिले 5, और उसमें से एक हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया जो कि नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो हमें ये मिला कि इस पूरे सिस्टम में 4 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल जिससे हम और हमारी क्लियरिटी बढ़ जाएगी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट किसी भी केस में कैसे निकाले जा सकते हैं। और नंबर ऑफ कंपोनेंट एक बार फिर से हम देखते हैं, कैन बी इजिली calculated by this equation. Now we will solve one example on another example to find out the number of component. Now we will solve the question in which we have to find out the number of component present in this overall species. इस पूरे सिस्टम में हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इस पूरे सिस्टम में कैसे कैलकुलेट किए जाएं, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास NH4Cl सॉलिड फॉर्म है, NH4 पॉजिटिव एक्वस है, Cl नेगेटिव एक्वस है, H2 लिक्विड है, H3O पॉजिटिव लिक्विड है, H3O पॉजिटिव एक्वस हमारे सामने है, H2O गैस, NH3 OH नेगेटिव एंड NH4 OH जो कि कलर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है। अब अगर हम इसको काउंट करते हैं इस पूरे एक सिस्टम में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, तो हमें समझ में आ रहा है NH4Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमारे पास पूरे इस कंडीशन में हमारे पास 10 अलग अलग कंपोनेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमें ये समझना है कि किस प्रकार से n की वैल्यू हमें निकालनी। सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी, हम ये देख रहे हैं कि NH4Cl एक स्पेसीज, NH4 पॉजिटिव दूसरा Cl, तीसरा हमारे पास Cl नेगेटिव है। यहाँ पे हम देखेंगे H2O और ये H2O, ये ना स्पेसीज सेम है पर इसकी कंडीशन अलग अलग है, फेजेस अलग है लेकिन स्पेसीज एक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
एट नाइन, हमारे पास देखिए वन टू थ्री फोर ये कॉमन है, एच सी ओ पॉजिटिव कॉमन है, फाइव सिक्स सेवन एट नंबर ऑफ स्पीसीज इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम आर एट। नाउ नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे सामने है आठ, अब हमें काउंट करके अधिक मिल रहे हैं लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ स्पीसीज ओनली एट। नाउ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन दिस ओवरऑल प्रोसेस सिस्टम इज व्हाट, ये निकालना है। अगर हमारे पास एन की वैल्यू हम काउंट करके समझते हैं स्पीसीज कितने हैं, तो हम देखते हैं आठ। अगर हमें ई निकालना है जिसको हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन दिस इक्विलिब्रियम, तो हम इसके लिए इक्वेशंस ढूंढते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इसमें काफी ज्यादा है, तो पहली रिएक्शन इसकी होगी इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी, यानी सबसे पहले जो चार्जेस हैं न्यूट्रलाइज होंगे, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी की रिएक्शन आएंगे। नंबर सेकेंड हमारे सामने है NH4Cl, NH4Cl आयंस में कन्वर्ट होगा NH4 प्लस Cl नेगेटिव। तीसरी रिएक्शन हम बात करें हमारे सामने आएगी NH4 पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, हमें मिल जाएगा NH3 प्लस H3O पॉजिटिव। चौथी रिएक्शन NH3 फिर फर्दर रिएक्शन करेगा और H2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमें दे देगा NH4OH। और इसमें देखिए हमारे पास सारी स्पीसीज केमिकल रिएक्शन, देखिए NH4Cl है, NH4 रिएक्शन इक्विलिब्रियम बनाएगा NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बीच में, NH4 पॉजिटिव H2O के साथ रिएक्शन करेगा NH3 H3O पॉजिटिव बनाएगा, NH3 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा NH4OH बनाएगा, और इसमें जो वाटर है वह डिसोसिएट होकर हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, यानी प्राइस ऑफ H2O व्हेन डिसोसिएट्स, अब इसको हम सिंपल रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं, ई जब डिसोसिएट करेगा हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। नाउ देयर आर फाइव डिफरेंट रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन दिस इक्विलिब्रियम, पूरे सिस्टम में हमारे पास पांच रिएक्शंस हो रही हैं, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस आर फाइव। तो वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन दिस सिस्टम विल एग्जिस्ट, ओनली 8 - 5 = 3। इसका मतलब है इस पूरे सिस्टम में हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ तीन ही कंपोनेंट हैं, तो जबकि हमें इतनी सारी चीजें एक साथ दिखाई दे रही हैं। दिस इज द राइट मेथड, इसके मदद से हम आसानी से किसी भी फेज में किसी भी इक्विलिब्रियम में उसके कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं उसको आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार फिर समझने की कोशिश करें, कंपोनेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पीसीज इन्वॉल्व्ड एंड द इंडिपेंडेंट रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द इक्विलिब्रिया इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन, जहां पर सी की वैल्यू एन माइनस ई है, ई का इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है, और जो कि हमारे पास एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल से हम आसानी से ये समझ पाए कि कितनी केमिकल रिएक्शन होंगी, और उस केमिकल रिएक्शंस को अगर हम नंबर ऑफ स्पीसीज से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो ये तो हमारी बात रही नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने की। अब हम बात करते हैं अगर हमारे सामने फेज रूल था, फेज रूल हमारे सामने है एफ सी माइनस पी प्लस टू, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हुए हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं, और जिसमें कि अगर हम बात करें अगर नंबर ऑफ फेजेस हम बढ़ा दें, यानी जितने अधिक नंबर ऑफ फेजेस होंगे उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगी, ये हमें समझना पड़ेगा। इसको आगे हम इस कंसेप्ट को आगे प्रूफ करेंगे कि कैसे नंबर ऑफ फेज बढ़ रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो रही है, इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं, क्योंकि पी और एफ के बीच में माइनस रिलेशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी तो पी की वैल्यू हमें घटानी पड़ेगी, यानी नंबर ऑफ पी बढ़ेगा तो एफ की वैल्यू कम आएंगी हमारे सामने। दूसरा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ेंगे जिस तरीके जिस स्पीड से और उसी कंडीशन में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगी। अब यहाँ हमें ये समझना जरूरी है कि किसी एक निश्चित वैल्यू पे निश्चित कंपोनेंट पे एट सर्टेन कंपोनेंट्स एक सर्टेन वैल्यू के कंपोनेंट की वैल्यू पर डिग्री ऑफ फ्रीडम सर्टेन होगी। मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल है कोई भी एक कंपोनेंट
एक है, एक कंपोनेंट में अगर फेज एग्जिस्ट करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस एग्जिस्ट करते हैं तो तीन, तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू जीरो, यानी जहां पर मैक्सिमम फेज एग्जिस्ट करते हैं, कंपोनेंट एक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके केस में जीरो रहेगी, यानी कंपोनेंट एक है डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो, और नंबर ऑफ फेजेस ज्यादा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है। ये हमें समझना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द फेज। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वह क्वांटिटी है, वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो किसी भी फेज को समझाने के लिए रिक्वायर्ड है। दीज आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। यदि हमारे सामने तीन फेजेज हैं, तीन फेज को एक्सप्लेन करने के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए, कितनी चीजें हमें रिक्वायर्ड है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में टेम्परेचर कैन बी अ वेरिएबल, प्रेशर कैन बी अ वेरिएबल एंड कंसंट्रेशन कैन बी द अनदर वेरिएबल। तीन चीजें हमारे सामने हैं तो तीन वेरिएबल हो सकते हैं किसी भी फेज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर हमारे पास तीन फेज है, नंबर ऑफ फेज के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करती है। अगर हम कंपोनेंट को कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं, अगर हमारे पास कंपोनेंट एक है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या चेंज आएगा उसको हम समझते हैं। कंपोनेंट एक कंपोनेंट में अगर हमारे सामने दो फेज हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिलेगी एफ इक्वल्स टू, यानी हम अगर सिंपली फेज एक लेते हैं शुरुआत में तो हमारे पास कंपोनेंट वन है, फेज एक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी मिलेगी टू, जिसको हम बाइवेरिएंट बोलेंगे क्योंकि एफ इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू। सी और पी की वैल्यू अगर हमारे पास सेम आ जाती है तो हमें सिर्फ वैल्यू मिलेगी टू। हमने कहा था जब दो जो वैल्यू एक्स्ट्रा आई थी वो वैल्यू है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो दो का मतलब कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है एक फेज को समझने के लिए, दो, टेम्परेचर एंड प्रेशर। वी कैन एक्सप्लेन दिस फेज बाय टू वेरिएबल्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें वैल्यू टू मिली। और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम दो मिलती है तो इसको बोलते हैं बाई वेरिएंट। जब फेज दो हमें मिलते हैं तो एफ की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इधर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं वन, मोनो वेरिएंट। व्हेन टू फेजेस एडजस्ट देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सफिशियंट टू एक्सप्लेन द फेज। कहने का मतलब अगर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम वन आती है, जिसको हम वेरिएंट बोल रहे हैं, वन आती है तो वन का मतलब या तो टेम्परेचर या प्रेशर इस फेज को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशियंट है, जो इस फेज में चेंज ला सकता है। नंबर थ्री, व्हेन द फेजेस आर थ्री, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द कंपोनेंट्स आर ओनली वन, फेज आर थ्री देन डिग्री ऑफ फ्रीडम आर जीरो। Means when these three phases are coinciding, एक point पर तीन phase अगर मिलते हैं, वह point basically triple point कहा जाता है, उसको हम आगे phase diagram में समझेंगे कि phase जब की value तीन एक साथ मिलती है तो उसको triple point कहते हैं। जहाँ पर there is no need to find out, there is no need of any kind of variable to explain the phase, वहाँ पर उसको समझने की जरूरत नहीं होती है, इसको बोलते हैं non variant। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर हम आसानी से किसी भी फेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो फेज होगा क्या एग्जैक्टली, और किसके ऊपर निर्भर करेगा, टेम्परेचर के ऊपर या प्रेशर के ऊपर या उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बात करते हैं उसको हम इसलिए बाइवेरिएंट बोलते हैं। मोनोवेरिएंट में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से उसको समझा जा सकता है, और नॉन वेरिएंट की बात करेंगे जहां पे किसी इसको समझने के लिए किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर किसी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हमारे सामने तीन टर्म्स थे। गिब्स फेज रूल अमेरिकन फिजिसिस्ट्स ने निकाला था, जिसको इनका नाम हमने अभी बताया आपको गिब्स, जो कि एफ इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू है, जिसको हम समझते हैं कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और नंबर ऑफ फेजेस और नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में एक रिलेशन
जहाँ पर हमने एक नंबर ऑफ कंपोनेंट समझा, नंबर ऑफ फेजेस हमने समझा, द डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने समझा. मींस एनी हेटरोजेनियस सिस्टम और हेटरोजेनियस इक्विलिब्रियम कैन बी इजीली एक्सप्लेन विद द मेथड ऑफ दिस इक्वेशन. इसको मदद से हम आसानी से उसको समझ सकते हैं. अब हम बात करेंगे कि इस पूरे इक्विलिब्रियम में कितनी चीजें किस तरीके से इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है. देयर आर थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. नंबर वन, तीन सिस्टम हमारे पास होते हैं, तीन इक्विलिब्रियम, तीन तरीके से इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है. नंबर वन, थर्मल इक्विलिब्रियम. नंबर टू, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. नंबर थ्री, केमिकल इक्विलिब्रियम. देखिए थर्मल में क्या होता है, एज वी नो टेम्परेचर ऑफ टू फेजेस विल रिमेन कांस्टेंट. लेट अस सपोज वी हैव अल्फा वन फेज, बीटा अनदर फेज. दोनों फेजेस की वैल्यू मैं टेम्परेचर की वैल्यू दोनों फेजेस में जब इक्वल होगी तब हम उसको बोलते हैं मैं थर्मल इक्विलिब्रियम. किसी भी फेज को एडजस्ट करने के लिए टेम्परेचर का ट्रांसफर एक फेज से दूसरे फेज में नहीं होना चाहिए. अगर टेम्परेचर दोनों फेज में इक्वल है तब हम कहेंगे कि यस देयर इज एन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश. किसी भी फेज के इक्विलिब्रियम के लिए टेम्परेचर जब इक्वल है, व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन फेज टू द अनदर फेज इज द थर्मल इक्विलिब्रियम. तो वहां पे उसको हम थर्मल यानी टेम्परेचर की हम बात करते हैं. नाउ वी हैव द सेकंड टर्म, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाया हमने किसी भी फेज का तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उसके प्रेशर में भी चेंज आता है. तो यानी इसी केस में अल्फा और बीटा दो फेज हमारे पास है तो दो फेज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में तभी रहेंगे जब दोनों के केस में प्रेशर इक्वल है. प्रेशर फॉर अल्फा फेज, प्रेशर फॉर बीटा फेज विल रिमेन इक्वल. If we are increasing the pressure on alpha phase, definitely it will change the volume as well as the pressure of another phase, beta. हमने कहा अगर alpha और beta एक दूसरे के equilibrium में हैं, उनके बीच में thermal equilibrium तभी होगा जब temperature is constant, temperature is equal. जब pressure equal होगा तब उसको mechanically equilibrium में equilibrium का नाम देंगे. Third हमारे पास है chemical equilibrium. Chemical equilibrium में जब हम केमिकल पोटेंशियल की म्यू की बात करते हैं तो जब इसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू इक्वल होगी तब हम कहेंगे कि यह सिस्टम केमिकली इक्विलिब्रियम एडजस्ट करता है. तो तीन हमारे पास एंटिटीज हैं, तीन चीजें हैं हमारे सामने कि कोई भी इक्विलिब्रियम जब एडजस्ट होगा तीन तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है. हो सकता है एक थर्मल इक्विलिब्रियम उसमें है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम. तभी हम कहेंगे कि कोई भी फेज आपस में इक्विलिब्रियम है व्हेन देयर इज टेम्परेचर सेम, व्हेन द प्रेशर सेम, एंड द थर्ड इज केमिकल इक्विलिब्रियम इन विच द म्यू द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल. नाउ वी विल डेराइव द इक्वेशन हाउ द गिब्स एस्टैब्लिश दिस रिलेशन. गिब्स ने F equals to C minus P plus 2 कैसे निकाला, we will derive. Now, we are going to understand how this relation get established. Now, we are going to determine the phase rule. जो phase rule Gibbs ने दिया था उसको हम derive कर रहे हैं. Derivation क्या है उसका उसको हम समझ लेते हैं. Phase rule हम जानते हैं F equals to C minus P plus 2 है और इनकी हर कंपोनेंट को हर बात को हमने समझा, हर पॉइंट को हमने देखा. इस फेज रूल को डिराइव करने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी होंगी कि किसी भी सिस्टम के स्टेट को समझने के लिए कितनी वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट आएगी. नंबर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड स्पेसिफाइंग द स्टेट ऑफ सिस्टम. कोई भी इक्विलिब्रिया है उसके में कितने फेज हैं, कितने कंपोनेंट्स, उसको समझने के लिए कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट रहेगी पहली बात. दूसरी बात, उस इक्विलिब्रियम में कितने
टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम है कितने, इसको हमें समझना होगा। दो चीजें हमें समझनी है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड स्पेसिफाइंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब ये कब सिस्टम है इसको समझ लेते हैं कि कौन सा सिस्टम है। लेट अस सपोज, अब हम एक कंसिडरेशन करते हैं, लेट अस कंसिडर, मान लेते हैं कि पी टोटल फेजेस थे पी, जिसमें फेजेस पी वन पी टू पी थ्री टोटल हमारे सामने हैं पी फेजेस एक इक्विलिब्रियम में। और दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट की हम बात करते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट सी वन सी टू सी थ्री एंड टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे सामने हैं सी कंपोनेंट। पहली बात, मान लिया कोई भी एक इक्विलिब्रियम हमारे सामने है जिसमें पी फेजेस है सी कंपोनेंट। इन इस तरीके के सिस्टम के लिए हमें यह समझना है कि कितने वेरिएबल्स होंगे जो उसको स्टेट को समझेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन इजीली बी कैलकुलेटेड। हाउ, कैसे निकालेंगे? पहली बात, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, किसी भी फेज को इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हमने कहा था कि द टेम्परेचर, पहला वेरिएबल टेम्परेचर, टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए, टेम्परेचर इन थ्रू आउट द फेजेस शुड बी इक्वल, जिसको हमने थर्मल इक्विलिब्रियम के नाम से भी जाना था। टेम्परेचर ऑल फेजेस शुड हैव सेम टेम्परेचर। दूसरी कंडीशन प्रेशर, इसको हमने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जाना था, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, सेम प्रेशर होना चाहिए। जब जितने भी फेज हैं उन सब फेज में प्रेशर सेम होना चाहिए। कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं, मान के चले हमारे पास सी कंपोनेंट थे, टोटल कंपोनेंट हमारे पास सी है, तो एक कंपोनेंट के लिए अगर हम सिंपली हम बात करते हैं कि सी नंबर ऑफ कंपोनेंट थे, तो एक फेज के लिए उस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये हमें निकालना है। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, हमने कहा टेम्परेचर सेम होना चाहिए, प्रेशर हमने कहा सब फेजेस में सेम होना चाहिए। तीसरी बात हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन उसकी क्या होनी चाहिए, समझते हैं। नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया अगर हमारे पास है, हमारे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया है, उसको हम बाद में निकालेंगे, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन केस ऑफ कंसंट्रेशन इट शुड बी इक्वल टू सी माइनस वन। अभी हमने कहा नंबर ऑफ कंपोनेंट सी थे, ये हमारे पास है फॉर वन फेज ओनली, कंसंट्रेशन किसी एक फेज के लिए क्या होगी, इसको हम समझते हैं। तो फॉर वन फेज इट इज इक्वल टू सी माइनस वन। ऐसा क्यों है, एक हमने माइनस क्यों किया, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि जो लास्ट, सिंस द लास्ट कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, हमारे पास सी कंपोनेंट है तो सी कंसंट्रेशन हमें मिलेगी। अलग अलग कंसंट्रेशन की बात हम कह सकते हैं हर किसी केस में, टोटल हमारे पास सी कंपोनेंट है लेकिन लास्ट का जो कंपोनेंट है इट इज इंडिपेंडेंट, दिस कंसंट्रेशन इसकी इंडिपेंडेंट रहती है, ये डिपेंड नहीं करती है। इसलिए सिंस द लास्ट कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन इस पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए एक फेज के लिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इस केस में सी माइनस वन होंगे। एक फेज की हम बात करें, कंसंट्रेशन एक फेज के लिए सी माइनस वन। इफ वी हैव द पी फेजेस, हम अब एक फेज की बात कर चुके हैं, तो पी फेजेस के लिए ये हमें वैल्यू मिलेगी पी इंटू सी माइनस वन। हमारे पास हमने कंसिडर किया था, लेट अस सपोज एन इक्विलिब्रियम इज हैविंग द पी फेजेस एंड हैविंग द कंपोनेंट सी, जिसमें कि अलग अलग फेजेस हो सकते हैं, कंपोनेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालना चाहे इस सिस्टम को समझने के लिए, तो हमें पहली बात हमने कहा कि टेम्परेचर शुड बी सेम, प्रेशर शुड बी सेम थ्रू आउट द डिफरेंट फेजेस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हम बात करते हैं, हम ये जानते हैं कि एंड का जो लास्ट कंपोनेंट है वो कंसंट्रेशन उस पर वो इंडिपेंडेंट रहता है कंसंट्रेशन के। तो ओवरऑल टोटल वो एक फेज के लिए टोटल कंसंट्रेशन हमें मिलेगी सी माइनस पी, और पी फेज के लिए हमें मिलेगी पी इंटू सी माइनस वन। हम यहाँ पे सी माइनस वन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लास्ट कंपोनेंट इंडिपेंडेंट रहता है। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अब हमारे पास वैल्यू मिली टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स
required to specify the state of system is equal to P into C minus 1 plus 2. हमारे पास कैसे आए प्लस टू, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे फिर से. हमने मान लिया कि P फेस था, C कंपोनेंट थे. उस कंपोनेंट को समझने के लिए हमें रिक्वायर्ड था कि टेम्परेचर, एक कंपोनेंट रिक्वायर्ड था टेम्परेचर. हमने कहा टेम्परेचर थ्रू आउट सेम होना चाहिए. दूसरा हमारे पास था प्रेशर, प्रेशर था कंपोनेंट, वेरिएबल था तो वो वेरिएबल कांस्टेंट होना चाहिए. तीसरा हमारे पास जो वेरिएबल है वो कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन के लिए हमने कहा यदि हमारे पास सी कंपोनेंट है और लास्ट कंपोनेंट इंडिपेंडेंट रहता है तो एक फेज के लिए दिस वैल्यू शुड बी सी माइनस वन. एंड फॉर द पी फेजेस, हमारे पास एक फेज तो नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस पी है, तो द टोटल वेरिएबल विल बी पी. कंसंट्रेशन की वैल्यू मिलेगी पी इंटू सी माइनस वन. हमारे पास तीन वेरिएबल है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन की वैल्यू हमारे पास ये है और जो दो हमारे पास प्लस टू आया है वो आया है ओनली बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर. इट मींस द फर्स्ट थिंग सेज दैट द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर पी इंटू सी माइनस वन प्लस टू. ये रहा हमारे पास कंसेंट्रेशन, ये रहा टेम्परेचर एंड प्रेशर. पी इंटू सी माइनस वन, पी फेज के लिए सी माइनस वन प्लस टू. पहली बात जो हमने समझी कि इसको डेरिवेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ सिस्टम्स आर पी इंटू सी माइनस वन प्लस टू. द सेकेंड थिंग वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया. पूरे सिस्टम में कितने नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया होंगे, इसके लिए हमें समझना है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन में, कभी कोई भी इक्विलिब्रियम में, अगर केमिकल पोटेंशियल हर कंपोनेंट के लिए इक्वल नहीं होगी तो इक्विलिब्रिया एक्जिस्ट नहीं करेगा. मतलब किसी भी इक्विलिब्रिया को एक्जिस्ट करने के लिए हर कंपोनेंट के लिए केमिकल पोटेंशियल शुड बी सेम. केमिकल पोटेंशियल मींस म्यू, जिसको हम केमिकली इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. म्यू केमिकल पोटेंशियल फॉर एवरी कंपोनेंट फॉर एवरी फेज शुड बी इक्वल. मान लेते हैं हमारे पास म्यू वन पहले कंपोनेंट के लिए था और म्यू वन एंड पी वन इक्वल टू म्यू टू, म्यू वन पी टू. यानी पी वन फेज के लिए कंपोनेंट केमिकल पोटेंशियल, पी टू फेज के लिए केमिकल पोटेंशियल, पी थ्री फेज के लिए केमिकल पोटेंशियल और P के फेज के लिए केमिकल पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए. तभी इसी कंडीशन, इसी वजह से, इसी बात से इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा. पहली बात एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं. केमिकल पोटेंशियल फॉर फर्स्ट फेज, केमिकल पोटेंशियल फॉर सेकंड फेज, केमिकल पोटेंशियल फॉर थर्ड फेज शुड एंड द केमिकल पोटेंशियल ऑफ पी फेज शुड बी इक्वल. एंड दिस इज फॉर वन कंपोनेंट. एक कंपोनेंट के लिए, पहले कंपोनेंट के लिए, क्योंकि हमारे पास सी वन कंपोनेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास टोटल सी कंपोनेंट है. पहले सी वन कंपोनेंट के लिए इक्वल होना चाहिए. म्यू टू फॉर फेज पी वन, म्यू टू फॉर फेज पी टू, म्यू टू फॉर फेज पी थ्री should be equal to mu2 for P phases. It is for C2 component. ये सब equal होना चाहिए. Equilibrium की हम बात कर रहे हैं, कितने equilibrium बने हैं. mu3 for P1 phase, mu3 for P2 phase, mu3 for P3 phase should be equal to mu3 for P phases. It is for C3 component. इसी वजह इसको अगर हम आगे कंप्लीट करें, म्यू फॉर C कंपोनेंट, P1 should be equal to म्यू फॉर C कंपोनेंट P2, म्यू फॉर C कंपोनेंट P3 should be equal to म्यू फॉर C कंपोनेंट P.
ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम, जब कोई इक्विलिब्रियम ये हमारे पास है फॉर सी कंपोनेंट, इफ वी आर सेइंग वी हैव P1, P2, P3 अप टू P कंपोनेंट, P फेजेस वी आर हैविंग C1, C2, C3 एंड C कंपोनेंट, देन दिस शुड बी इक्वल फॉर एवरी फेजेस. केमिकल पोटेंशियल म्यू की वैल्यू हर किसी फेज के लिए और हर किसी कंपोनेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट, हर किसी कंपोनेंट के लिए डिफरेंट है, लेकिन हर फेज के लिए ये इक्वल होनी चाहिए. ये हमारे सामने एक वैल्यू हमें मिली. तो टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया की हम बात करते हैं. हमारे सामने ये एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, एक इक्वेशन निकाले कि हम पोटेंशियल हमेशा इक्वल होना चाहिए. तो पोटेंशियल जब इक्वल है तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी ये हमें मिलेगी P-1, यानी जो टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया है फॉर वन कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया फॉर वन कंपोनेंट विल बी इक्वल टू P-1 एंड टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया फॉर सी कंपोनेंट. हमने अब ए कंपोनेंट की बात कही तो ये ए कंपोनेंट में केमिकल इसकी वैल्यू हमें मिलेगी P-1 एंड फॉर सी कंपोनेंट द वैल्यू विल बी C(P-1). एक बार फिर से समझ लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियास कितने आएंगे. हमारे पास टोटल P फेजेस और उस P फेजेस में हर किसी फेज का केमिकल पोटेंशियल इक्वल होगा और अलग अलग कंपोनेंट के लिए इक्वल होगा. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सी कंपोनेंट है. अगर हम एक कंपोनेंट की बात करते हैं तो एक कंपोनेंट के लिए हमारे पास जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो मिलेगा P-1 और सी कंपोनेंट के लिए जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा वो मिलेगा C(P-1). तो ये दोनों की वैल्यू जो हमने फेज रूल को डिटरमाइन करने के लिए निकाल ली थी वो निकाल ली. हमने कितने वेरिएबल, हमने कहा कि किसी भी सिस्टम के स्टेट को समझने के लिए कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी और उस स्टेट सिस्टम के स्टेट में कितने इक्विलिब्रियम होंगे वो हमने यहाँ पे देखा. तीन चार चीज़ें हमें समझ में आई. पहली बात, दो वेरिएबल टेम्परेचर प्रेशर रिक्वायर्ड है, कंसेंट्रेशन हमें रिक्वायर्ड है. हमने बात रखी कि इक्विलिब्रिया जब होता है एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए इतने वैल्यूज होनी चाहिए नंबर ऑफ टोटल इक्विलिब्रिया जिसमें केमिकल पोटेंशियल हर फेज के लिए इक्वल होना चाहिए. तो ये तीन चार चीज़ें हमें समझ में आई. इसके बेसिस पे डेरिवेशन हम सॉल्व आउट कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे कितने इक्विलिब्रिया पे. तो किसी भी एक फेज की हम बात करें, किसी भी एक इक्विलिब्रिया की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन एनी फेज, किसी भी फेज के डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने के लिए हमें कितनी, किसी फेज के को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होनी चाहिए वो हम अब सॉल्व करते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम दिस नंबर 1 and 2 इज P(C-1) + 2 - C(P-1). ये हम अब सॉल्व आउट करेंगे. ये हमारे पास सीपी, इसको हम सीपी बोल सकते हैं, -P + 2 - CP + 1 + C. ये हम खोल इस वाले इक्वेशन में जब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमें समझ में आई कि क्या आएगी, सीपी और सीबी कैंसिल आउट हो गया, C - P + 2. F = C - P + 2. This is the simplest way to find out, to derive the degree of freedom. तो degree of freedom के लिए हमें सबसे पहले required है कि कितनी variables required होंगे किसी भी system के state को समझाने के लिए. हमारे पास P की value, number of P अगर phases हैं, number of C components हैं, तो उसके लिए variables होंगे P (C-1) + P + 2. एंड टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट फॉर सी कंपोनेंट एंड पी फेजेस इट इज इक्वल टू C (P-1). एंड ओवरऑल इफ यू सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज वी विल फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज P(F = C - P + 2)